sanitize your hands regularly, keep your mask and face shields on. You want me bleeding on the floor for you, but I fell free the second that you left the room. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Just about maybe 50 meters from Kasaradevi Temple, I got this beautiful place, stone house, as you can see. This is an amazing place, amazing view. ताला मार दिया मैंने, तो चलते हैं दिस वे। ट्रैकिंग का तो मजा ही कुछ अलग है, वैसे चप्पल में जा रहा हूँ, होप नो प्रॉब्लम। चप्पल में ट्रैकिंग कौन जाता है भाई, ऐसे चलते रहे नेचर के बीच, पीछे डॉगीज भौंक रहे हैं। तो थोड़ा लोकेशन देख लो, मस्त लोकेशन है भाई। चलते हैं फिर आगे की ओर, प्रस्थान करते हैं हम लोग। भाई जी बुलाना था ना, बुलाना था ना मुझे, मैं थोड़ा सोचा कि वीडियो करने निकल जाऊं। भैया जी चलो ऊपर तक, वो दे दीजिए फिर। अरे दे दो दे दो। चलिए तो मैं ट्रैकिंग करने निकल गया अभी, मस्त लग रहा है वैसे। नज़ारा तो देख सकते हो, मतलब मस्त लग रहा होगा। यहाँ पे गाना भी चल रहा है, हंसाएगी रुलाएगी चिम्स। तो यहाँ से व्यू जैसे आप देख सकते हो ना, मतलब ऐसे चलते रहें, यहाँ पे मस्त व्यू पॉइंट्स हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वैसे कसारदेवी इज़ ब्यूटीफुल, इसको क्या कहना। तो थोड़ा सा और नीचे जाने का प्लान है, ऊपर से तो आ गए, थोड़ा सा मज़ा तो लग रहा है अभी, तो नीचे थोड़ा चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जाने का प्लान है। तो वो जो देख रहे हो ना नीचे, ठीक है, एक क्रैक जैसा, वहाँ पे बेसिकली जाना है। रास्ता थोड़ा सा स्टीप है, कुछ लोकल ट्रेडिशनल रिचुअल्स हो सकता है, मस्त लग रहा है वैसे। सो इट्स रियली कूल नो। तो यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी लेके रखा है, मतलब कलेक्ट करके, तो आके ये लोग लेके जाएंगे नीचे ही है साइड में। दिस प्लेस इज अमेजिंग मैन, दिस प्लेस इज जस्ट रियली अमेजिंग। दिस कुड बी अ गुड कैंप साइट ऑल्सो, कैन आराम से डू योर कैंपिंग, देयर लॉट ऑफ वुड्स। तो यहाँ पे आराम से बैठे थे, थोड़ा सा मेडिटेशन किया, अभी चलते हैं ऊपर। थोड़ा सा बादल बन गया है, तो यहाँ से पानी रिसता है, बट अभी रिसाव बहुत कम है बिकॉज़ बारिश तो कल हुआ था,
उसके बाद तो हुआ नहीं है। जब मैं गया था तब उसी ट्रेल से गया था नीचे, अभी मैं यहाँ पे हूँ। चलते हैं इस कांटे को। जंप लगाते हुए पाइन कोन सही है। तो यहाँ पे पानी आके स्टोर होता है। तो अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बच्चे लोग पानी लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा उन लोगों का जो है शेयर कर लेंगे। हाय बोल दो ऐसे, मुझे एक दे दो जो मैं एक हाथ से कैरी कर लेता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। अच्छा आज कौन सा गाना गाना है? तो बच्चों को पसंद आया वो गाना? थैंक यू सो मच। सो फाइनली मैंने पानी का कैन नीचे रख दिया है। नाउ लेट्स गो एंड गेट द बैकपैक। इसको अभी खोलना है। वैसे दिस इज माई रूम, डोंट वर्क। तो चलते हैं एक बार कसार देवी टॉप होके आते हैं। तो अभी हम लोग कसार देवी के ऊपर एक शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे खड़े हैं, तो भंडारा वहाँ से लगाया जाएगा अभी। तो वैसे भाई जी यहाँ पे मतलब ये हर दिन होता है भंडारा कि मतलब कभी कभार होता है? हर दिन नहीं होता है, ये होता है हमारे कभी 6-6 महीने में लगते हैं। तो पहले जैसे एक फसल काट ली जाती है जब रबी या खरीफ की, तो वो बारिश होने के बाद जब उसके बाद जुताई होती है तो उसके लिए भगवान को यहाँ, जब हल्की गर्मी होती है, इस बार लेट हो गया था कोरोना की वजह से, तो जब वो होता था बारिश जुताई करते थे तो उस टाइम बारिश नहीं होती है, गर्मियों का मौसम होता है जुलाई में, तो उस टाइम में अगर भगवान से यहाँ भोग लगाते हैं एक दिन के लिए और प्रसाद चढ़ाते हैं, कहते हैं कि भगवान कि हमारे वहाँ अनाज की संपन्नता करना, और उसके लिए क्या कहते हैं भोग लगवाते हैं इस वजह से। और ये हमारा प्राचीन मंदिर है, नीचे गांव है हमारा, पहले से पूजा भी होती थी यहाँ पर। अब इस बार कोरोना की वजह से लेट हो गया, वरना ये जून फर्स्ट वीक में हो जाता है। और इसमें ये है ट्रेडिशनल खाना शुद्ध शाकाहारी बनता है और भगवान शिव की पूजा होती है। ये एक सामूहिक कार्यक्रम भी हो जाता है जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं गाँव के लोग, कि ये अनाज जो हम उगाते हैं वही अनाज से बनाते हैं, ये नहीं कि बाजार से ले लें आप। तो यह है दाल है जो घर की दालें होती हैं उनसे वो उनको मिला के थोड़ा 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 तेल जो भी है उन सभी चीजों को इकट्ठा करते हैं घर की चीजों से, वो घर की चीजों से बना बनेगा। बाजार जाकर तो फल फूल लेके आया और बगैर सब घर का ही चीज़ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विवेक भट्ट है। विवेक भट्ट है, तो विवेक जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग आगे देखते रहिए, मैं आगे जो होता है मैं आपको दिखाते रहूंगा, ठीक है? मैं ये कहना चाहूंगा भैया को सब्सक्राइब करना और थैंक यू शेयर कर देना, और आगे जानने के लिए इनके अलग अलग जगह में जाते रहते हैं भैया, इनका सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये अभी चावल पूरा क्लीनिंग चल रहा है, उसके बाद यही चावल चढ़ेगा भोग के लिए। तो अभी भोग लगने वाला है यहाँ पे। तो अभी भोग लगाया जा चुका है। हाँ जी, हाँ। जिंदगी का असली मजा तब होता है जब कोई प्लानिंग ही नहीं होता है। मैंने कोई प्लान करके यहाँ पे नहीं आया था,
पर देखो वो कहते हैं ना, अगर भोलेनाथ मन में होता है तो सब पॉसिबल होता है। सच में यार, दिल से सभी को धन्यवाद, आज बहुत अच्छी से नींद आएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, लेट मी शो यू द ब्यूटिफुल मॉर्निंग वेदर टुडे इन कसार देवी। थोड़ा सा क्लाउडी है बट दैट्स रियली रियली अमेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं योगासन के साथ और कुछ प्राणायाम के साथ, दिन की शुरुआत करते हैं। बिनसर को क्रॉस करके मैं एक गांव में आया हूँ, जी यहाँ पे एक मस्त छोटा सा रिवर फ्लो कर रही है जैसे आप देख सकते हैं।
एकदम फ्रेश फ्रेश घास, पूरा हरा हरा, और हमारे जो भैंस मौसी है वो उसको खाएगी आराम से मंच करती हुई। बहुत आक्रामक लग रहा है। दीदी तो बेसिकली आप एक दिन का काट रहे हो कि कुछ दिन के लिए काट रहे हो? एक ही साथ में? एक ही दिन का। दीदी आप अभी चूल्हे में रोटी बना रहे हैं, कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा है, एकदम। हाँ चूल्हे में तो बाद में हमने इसको देना है।